पहुंच पावे। इतने ऊंचे पे रख दिया माखन। भगवान कन्हैया बोले, क्यों मनसुखा भैया, ते सबसे बड़ो है, पहले ये बता गोपी बड़ी चालाक है, देख माखन कितने ऊंचे पे रख के गई है, और हम लोग तो छोटे छोटे ग्वाला जब माखन को कैसे उतारेंगे जी बताओ। मनसुखा बड़ो चालाक, मनसुखा बोलो मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या तेरे पास उपाय है? बोले कन्हैया मनसुखा भैया, छीके ऊपर धरी
भाभी बड़ी चालाक है, कितने ऊपर मटकी रखे गई है। मनसुका नीचे घोड़ा बनाई भगवान कन्हैया ने, उनके ऊपर मनसुका के ऊपर दामा चढ़ा दिए और दामा के ऊपर भगवान कन्हैया खड़े है गए। और फिर जब देखा ऊपर की तरफ हाथ बढ़ा के, मटकी तक तो न पहुंचे। भगवान कन्हैया ने बंसी निकाली और मटकी में नीचे से, हाँ नीचे से जैसे गुल का मारा, छोटी सी टूट गई, छेद हो गया, टूट गई। बाम में माखन जो था, दही जो था, गिरने लगा। अब सब ग्वाला अपना अपना सीधा सीधा मुंह किए हैं वो धार से। अब जो घोड़ा बने हैं वो कैसे मुंह ऊपर करें। अब मनसुका बोले, ए कन्हैया हमें माखन नहीं मिलेगा तो हम नीचे से हट जाएंगे। अब कन्हैया बोले, देख हट मत जाना, मैं तुझे ऊपर का माखन खिलाएंगे, अच्छा अच्छा मलाई वाला। बोले, कड़ी खा को खिलाएगा कब, जब मटकी में कुछ नहीं रहेगा तब। बोले, नहीं नहीं अभी तो है। और पूरा माखन खाई रहते तब तक गोपी आ गई। और जैसे कुंदी बजाई गोपी ने, जो ही कुंदी बजी, अब नीचे के ग्वाला सोच रहे हैं कि कन्हैया अगर भग गए तो हम पकड़ में आ जाएंगे, हम तो घोड़ा बने हैं। जैसे ही दोबारा से कुंदी बजाई, नीचे वाले ग्वाला सब सरक गए धीरे धीरे से। मनसुका दामा नीचे से खिसक गई, भगवान कन्हैया ने छीका पकड़ लिया ऊपर से। अब वो तो वहीं लटके रह गए, नीचे वाले निकल गए। अब भगवान कन्हैया बोले, ए अब तुम लोग हमें तो तारो कम से कम, अब तुम लोग भाग गए तो गोपी हमें ही सारी मार लगाएगी, सबके बदले हम पिटेंगे। बोले, ते पिटेगा, चोरी तेने की है, हमने ना की है। क्योंकि चोरों का मुखिया पकड़ जाए तो फिर कोई जरूरत नहीं है रोगेरों को ढूंढने की। बोले, ते पकड़ गया, हम तो चले। ग्वाला सब भाग गए। और जैसे ही गोपी अंदर आई, गोपी ने भगवान कन्हैया को लटका हुआ देखा। अब गोपी बोली, क्यों कन्हैया ये यहाँ क्या कर रहे हो? बोले, गोपी बाद में पूछ लिए, पहले हमें नीचे तो उतार। भगवान कन्हैया को नीचे उतारा गोपी ने। अब गोपी पूछ रही है, जी बताओ हमारे घर में क्या करने आए हो? जानते थे हमारे घर में कोई नहीं है, फिर तुमने ये मटकी क्यों फोड़ी, इसका दही क्यों खाया? आज हम पकड़ के यशोदा मैया से पक्का ले जाएंगे, आज नहीं मानेंगे। अब भगवान कन्हैया बोले, गोपी ते अगर हम पे नचवावे तो मैं नाचूंगो, बंसी बजवावे तो मैं बंसी बजाऊंगो तेरे आंगन में, लेकिन मैं तेरे पैर छूओ मेरी मैया से शिकायत लेके मत जाइए। मेरी मैया मोको उखल से बांध देती है। ललिता भाभी बोली, आज तो बिना मैया के मैं मानूंगा नहीं, आज तो मैया के पास जरूर ले जाऊंगी, क्योंकि यशोदा मैया प्रतिदिन यही कहती है कि मेरो लाला चोरी ना करे, मेरो लाला चोरी ना करे। आज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगी तेरी मैया को। भगवान कन्हैया को ललिता भाभी ने एक पीलपाए से घर में बांध दिया, बांध के और साड़ी बदलने लगी। बोले, गली में जाएंगे ना, बाहर तो ठीक ठाक साड़ी बांध ले, जो तो घर में तो पुरानी साड़ी बांधे थी। दूसरी साड़ी बांधी मोटी सी, पहले पतली सी बांधे थी घर में थी। पहले ऐसा था कि जब घर से बालाएं निकलती थी तो इज्जत सम्मान के कपड़े पहन के निकलती थी, है ना? लेकिन अब इज्जत सम्मान तो क्या कहूँ, कहने के काबिल नहीं है।